वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। राहुल गांधी की संयुक्त रैली अभी थोड़ी देर पहले हुई है, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से बहुत भीषण भीड़ पूरा रेला चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने आज जो संयुक्त रैली करी है उसके बाद अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि खुशबू और मोहब्बत की दुकान अगर एक साथ हो जाएगी तो हम लोग बड़ा बदलाव करेंगे। हमारे साथ कुछ यहीं के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आज जो रैली हुई है इसको किस नजर से देख रहे हैं राहुल और अखिलेश? ये एक सैलाब है, रैली का रैला है, और राहुल जी अखिलेश जी ने सब स्पष्ट बता दिया, यहाँ की जनता ने बता दिया है कि अब किस बार कन्नौज तो है ही ऐतिहासिक जीत और पूरा उत्तर प्रदेश साफ है। आम आदमी पार्टी भी साथ में आ गई है आज, मतलब जो बोले हैं उनपे से कुछ ऐसा निकला ये मोहब्बत की दुकान और खुशबू एक साथ हो जाए? बहुत अच्छा राहुल जी, बहुत अच्छा बोले हैं, भाषण सुनकर दिल को छू गया सभी कार्यकर्ताओं का। और जो उन्होंने महिला और बेरोजगारी के लिए बोला है और जो बताया है, जो 12 लोगों का पैसा जो है वो हम 70 करोड़ की जनता को देंगे। अच्छा, अब मतलब पहले परिस्थितियां कुछ थी जैसे तेजप्रताप यादव का हो गया था, अखिलेश यादव आने के बाद समीकरण चेंज हुए, कुछ बदलाव हुआ, तो अब पहले में और अब में अंतर क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, अगर तेजप्रताप यादव भी आते तब भी वो ऐतिहासिक जीत रहती, और ये तो अखिलेश जी तो कन्नौज के दुलारे हैं, तो इसलिए तो दोबारा भाजपा प्रत्याशी सोचेगा नहीं अखिलेश जी के सामने आने का। क्या कहेंगे आज रैली के बाद? बहुत बढ़िया रैली है अखिलेश जी, रिकॉर्ड में तो जीतेंगे। क्या कहेंगे? रिकॉर्ड में तो जीतेंगे। राहुल जी क्या कहेंगे आज? राहुल क्या कहेंगे? सब अच्छे ही कहेंगे, कन्नौज के लिए बहुत अच्छा कहेंगे। अच्छा, क्या कोई बदलाव होगा? बहुत अच्छा बदलाव होगा। क्या कहना चाह रहे हो? अरे इनको भगाएंगे जबरदस्त, बिताएंगे। क्या कह रहे आप युवा है? 4 लाख वोटों से अखिलेश भैया जीत गए हैं। सब क्या करते हो? साल से तैयारी कर रहा हूँ, 2018 में मैंने पेपर दिया था, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी आई वो भी पेपर लीक कर दिया। 6 फरवरी को पेपर लीक किया गया, लड़कों के हाथ में पेपर था, ये इतना बड़ा पेपर लीक हुआ, तो आज अखिलेश राहुल साथ में लीक का पेपर भी लीक हो गया। पेपर बदलाव होगा, इंडिया गठबंधन की जीत होगी, और जो देश में जो नफरत की दुकान चली मोहब्बत दुकान चलेगी। क्या कह रहे हैं बताइए? कन्नौज तक नहीं है अखिलेश भैया, विकास के लिए क्या क्या बातें हुई? भाजपा 14 सरकार थी, 12 में सरकार बनी थी, उसके बाद लगातार विकास हुआ था, लेकिन 14 आते आते 20,000 का मार्जिन रहा, 19 आते आते हार गए, तो ऐसा क्या हुआ था? 14 और 10 साल का अंतर है, 14 में पब्लिक को गुमराह कर दिया था और उसके बाद 19 चुनाव में भी गुमराह कर दिया था। पिछले 10 साल बीत जाने के बाद और जो कन्नौज की आवाम है बेसब्री से इंतजार कर रही थी कौन सा दिन आए जो भाजपा को सबक सिखाया जाए। कन्नौज की जनता ने आज हर गांव मोहल्ले गली नुक्कड़ से एक ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताने जा रही है। और मोहब्बत ये दुकान है, कितना दूर चलेगा? अगले दिन मंदिर में चले जाए तो मंदिर धोने लगते हैं। अगर राहुल जी को राहुल जी ने 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, उस पर जो है विपक्षियों ने क्या प्रोपेगेंडा चलाया कि राहुल जी एसी में लेट रहे हैं, राहुल जी 40,000 की शर्ट पहन रहे हैं, तो ये पब्लिक को गुमराह करने वाले लोग हैं। पब्लिक इस बार फैसला बना चुकी है, ये जाने वाले हैं। अगले 2-3 पेपर जो लीक हो चुके हैं, चाहे पुलिस का भेज दिए, अभी एक नीट का पेपर हुआ है, अभी 2-3 दिन में हुआ, वो भी लीक कर दिया गया है। ठीक है, ये जिस तरफ युवा चलता है उस तरफ उसी की सरकार झुका देंगे। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भैया, लड़का सारा
खेत बर्बाद के लड़के हो गए घर छोड़ बर्बाद। ये सरकार निकम्मी है। कुछ लोगों को और बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है, तो कोशिश करते हैं हम लोग आम लोगों से बात करने की। कौन कौन आया था अभी? राहुल गांधी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार मोहब्बत और खुशबू? अरे जलवा जलवा है। कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं आम आदमी पार्टी का। कुछ होगा मतलब समाजवादी पार्टी के लोग और पार्टी के लोग हमें पिछड़ा टीवी नाम बहुत पास करना मोदी जी से कुछ नहीं देते हैं। अगले यादव जी बोल गए हैं कि यहाँ पे जो 1,00,000 रुपए महीना महिलाओं को सालाना दिया जाएगा, उसके बाद पूरी दिहाड़ी जो है नरेगा की 400 रुपए। अगले साल बदलाव महीने दिया जाएगा। क्या लगता है बदलाव होगा? बिल्कुल। क्या लग रहा है, क्या बात होगी, क्या बात, क्या क्या बात हुई, क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या रैली से क्या मतलब निकाल रहे हैं? पंजाब की जनता इस बार विकास में वोट करने जा रही है। हम तो सरकार पूरी बनाना चाहते हैं। विकास और बेरोजगार क्या कह रहे हैं? विकास और बेरोजगार पे कितनी देर थी आज अखिलेश यहाँ से बोल रहे हैं कि अगर मोहब्बत और खुशबू एक साथ हो जाए तो ये बड़ा चीज है, तो इस बयान को कैसे देख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, बदलाव चाहती है इंडिया गठबंधन तो अब जमीन पर उतरी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह और हमारे जो संजय सिंह के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिल्ली के केजरीवाल, उन्हें बेगुनाह ने जेल में डाला है। पब्लिक इसका हिसाब ले लेगी मोदी साहब से। नोट में कितनी बड़ी जीत कर रहे हैं? चारों तरफ पन्ना में जो भी दिख रहा है वो सिर्फ अखिलेश जी का विकास दिख रहा है। अमित शाह अमित शाह यहाँ के जो प्रत्याशी है उसको बड़ा हमने भाई को ये बता बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग मिले भी राहुल जी से भी अपने तुमने कहा बेटा संघर्ष करते हो, बाकी तो हम तुम्हारे साथ वोटर हो। हाँ जी, 2024 में हमारा घर जिला अमेठी, तो हम लोग हमेशा समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्थन में कांग्रेस की तरफ से। अच्छा, अमेठी से यहाँ आए हो जी? अच्छा, इतनी तकलीफ में चले आए? अरे कोई तकलीफ नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए हम लोग जान देते हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश। राहुल और अखिलेश साथ आए हैं, क्या क्या संदेश हो गया? संदेश ये हो गया है कि सरकार तो बदलनी ही है और विकास कार्य जो यहाँ कन्नौज में हुए उतना कहीं हुआ नहीं।
एक से एक बढ़ के विकास कार्य हुआ। अगर मैं यहाँ बोलना शुरू कर दूं, बोलिए बोलिए बोलिए, यानी ये कह रहा हूँ कि हाईवे जो यानी एक्सप्रेस वे बना हुआ है वो केवल यातायात के लिए ही बना था, अब यानी सामने की दृष्टि से भी वो उनको उपयोगी हो गया है। वहाँ पर जगुआर उतरे हैं, वहाँ पर सुपरसोनिक विमान उतरे हैं, इधर यानी एक विशेष करते हैं माँ बाप है। क्या करते हैं? हम रिटायर्ड टीचर हैं एक इंटरमीडिएट स्कूल के। अच्छा अच्छा, तो अच्छा क्या क्या चीज कन्नौज से जुड़े हैं, बाहर से है? नहीं जुड़े तो कन्नौज से, कन्नौज की और तो सभी बातें जानते हैं, लेकिन मैंने जो सर्वे किया है वो ये किया है कि ये जो एक्सप्रेस वे है ये केवल यातायात के लिए ही नहीं है, ये अब सामरिक दृष्टि से भी मजबूत हो गया है। एक बात इसमें मैंने मध्य प्रदेश देखा, मैंने हरियाणा देखा, मैंने राजस्थान देखा, सब देखा मैंने, लेकिन इसमें एक चीज ये है एक्सप्रेस वे में जो अंडर पास बना हुआ है ऊपर से हमारी सेनाएं अगर भागना चाहे मोर्चे पर जाना चाहे तो लड़ती रहेंगी, और नीचे से हम लोग अंडर पास से यानी निकल जाएंगे। कन्नौज के विकास के लिए क्या बोला है? विकास के लिए वो ये करते रहेंगे, किया है वो करते रहेंगे, और क्या करें। मैं ये कहना चाहूंगा अगर शिक्षा की बात करें, संजय सिंह भी आए थे, हम बिल्कुल आए थे, मैं यही कहना चाहूंगा शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो ज्यादातर सरकारी स्कूलों में एससी एसटी ओबीसी के बच्चे पढ़ते हैं, तो साहब कहने का मतलब ये है एससी एसटी ओबीसी का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वोट का अधिकार जानेगा क्या? आप 5 किलो राशन पेट भरने के लिए दे रहे हैं, लेकिन आप हमें उस 5 किलो राशन के लिए मोहताज ना बनाए, हमें शिक्षित करें, हमारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करें जिससे कि हमें रोजगार मिले और हम अपने पैरों पर खुद खड़े सकें। आज राहुल गांधी जी, इसके अलावा माननीय जो हमारे आप आदि पार्टी के नेता जी आए थे, उनका यही उद्देश्य है कि जिस तरीके से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया है उस तरीके से हम यूपी व अन्य राज्यों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के प्रयास कहेंगे। क्या करते, क्या नाम है, क्या नाम है बताइए, नाम बताइए अपना। सपा से जुड़े हैं कि कांग्रेस से जुड़े? सपा से जुड़े हैं। अखिलेश और राहुल? अखिलेश बैठे, सबसे अच्छे अखिलेश, हमारे लिए सबसे अच्छे अखिलेश। अच्छा, सब कुछ बदलाव होगा? बहुत बदलाव होगा, बहुत बदलाव होगा, कुछ करने की कोशिश करते। रैली से आ रहे कैसा लगा? क्या कह गए दोनों नेता? सब कुछ आपकी जनता पार्टी की जमान से होने वाली है। क्या कह रहे, क्या कह रहे? पार्टी के सुबह पाठक की जमान से होने वाली है ये, समझो आप मिलाकर जबरदस्त उत्साह है, भीड़ भी बहुत है, और आज अखिलेश यादव बोल गए हैं यहाँ पर कि मोहब्बत की दुकान, जो राहुल गांधी बयान देते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं, और अखिलेश यादव कहते हैं यहाँ पर खुशबू के क्षेत्र, अगर मोहब्बत और खुशबू मिल जाए तो बड़ा बदलाव होगा। अमित मिश्रा, TV9 भारत, कन्नौज।